से कह रहे हैं भैया कि यहाँ से केदारनाथ के लिए पैदल ट्रैक है अराउंड 20 किलोमीटर्स। सो अगर आप लोग को उधर से नहीं जाना था, आप यहाँ से भी जा सकते हैं। बंटी भाई कैसा दिया तुमने? कैसा हो रहा है? यहाँ का फल ये बहुत अच्छा लगा मेरे को, गढ़वाल का। पता है गढ़वाल के कैसा लगा ये पूछ रहा हूँ। बढ़िया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हम लोग गुप्तकाशी में हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं कालीमठ मंदिर। कल हम लोग ओखीमठ से रात में आ गए थे तो काफ़ी अंधेरा हो गया था, इसलिए हम लोग आप लोगों को दिखाया नहीं। बाकी इस कमरे में रह रहे हैं, सिंपल सा कमरा है, 600-700 रुपये में आप लोगों को मिल जाएगा। और अब हम लोग जा रहे हैं कालीमठ मंदिर, आप लोगों को मिलते हैं आगे। ठीक है ये दोस्तों, ये व्यू है मेरे कमरे के बाहर का, गुप्तकाशी मार्केट में रूम लिया था। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं चौमासी की तरफ। कालीमठ हमने नीचे छोड़ दिया है, अभी हम गांव के बीच में कहीं पे, गांव का नाम नहीं पता। तो अभी हम जा रहे हैं चौमासी, वहां पर रोड ख़त्म हो जाती है कह रहे हैं, वहां से केदारनाथ के लिए ट्रैक भी है। सो दिखाते हैं आपको आगे का सीन क्या होता है। सो अभी तो हम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, मंदिर देख लगा, थोड़ी देर में हम लोग पहुँच जाएंगे वहाँ तक जहाँ से केदारनाथ का ट्रैक स्टार्ट होता है। ये क्या था? और बाकी आप लोगों को इसके बाद कालीमठ मंदिर दिखाएंगे। सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अभी हम क्या लेने जा रहे हैं ये तो बता दो, तू ही बता दे। अभी हम मतलब कितनी प्यारी जगह थे ना, सीढ़ीदार खेत, सामने पहाड़, इधर भी पहाड़, इधर भी पहाड़ और सामने बीच में बर्फ के पहाड़। तो यहाँ पर जिन भैया के साथ हम ये गांव एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी, तो उन्होंने कहा है यहाँ तक बर्फ़ पड़ती है और इतनी पड़ती है कि मतलब कम से कम कितना, 3 फीट, 3-4 फीट बोल रहे थे ना, इतनी बर्फ़ पड़ती है, अब लगाओ। तो दोस्तों जैसे आप पढ़ पा रहे हैं, ये है भारत की अंतिम चाय की दुकान चौमासी, भारत की अंतिम चाय की दुकान, और वो दुकान है यहाँ। दोस्तों ये है वो अंतिम रास्ता जहाँ तक गाड़ियाँ आ सकती हैं, हमारी कार वहाँ पर खड़ी है और हम आगे देखने जा रहे हैं कि हमारी कार जा सकती है, जा सकती थोड़ा आगे तक। बाकी अगर पक्की रोड की बात है तो यही लास्ट, यहीं तक ही है बस, ये लास्ट रास्ता ख़त्म। और यहाँ से कह रहे हैं भैया कि यहाँ से केदारनाथ के लिए पैदल ट्रैक है अराउंड 20 किलोमीटर्स। सो अगर आप लोग को उधर से नहीं जाना था, आप यहाँ से भी जा सकते हैं, बट यहाँ का बहुत कम लोग जानते जाते हैं मेरा कहना है। बाकी रोड तो बनी रही है, रोड बनी रही है यहाँ पर और फ्यूचर में बन जाएगी, तो यहाँ से क्या पता गाड़ियाँ भी चल जाएँ आगे तक। बाकी तो अभी तक तो यही लग रहा है कि यहीं तक ही है लास्ट, आपको आगे का इसको व्यू दिखाता हूँ। ये देखो पहाड़, वो सामने जा रही है रोड। पहाड़ों में सबसे बड़ी दिक्कत है रोड बहुत छोटी है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, और इतनी सी रोड में इतनी बड़ी गाड़ी मोड़ना ना, इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर अस, बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारा हैवी ड्राइवर है गोलू, वो कर देगा, पूरी कट जाएगी। और हमारी गाड़ी मुड़ चुकी है दोस्तों, बिकॉज वी हैव हैवी ड्राइवर। चोर लिया माल्टा है, माल्टा चोर, इन्होंने भी चोर लिया, चोरा की मांगा। तो दोस्तों हम लोगों ने ले लिए हैं माल्टे यहाँ से, चोरे की लिए है तुम लोगों ने, मांगे हैं, मांगे हैं भैया से जो हमारे साथ आए हैं, उन्होंने दिलवाए, उन्होंने हमें माल्टे दिए हैं। और इस माल्टे का टेस्ट करेंगे और देखते हैं कैसा हो रहा है। बंटी भाई कैसा दिया तुमने, कैसा हो रहा है? यहाँ का फल ये बहुत अच्छा लगा मेरे को, गढ़वाल का है, पता है गढ़वाल के कैसा लगा ये पूछ रहा हूँ। बढ़िया, पीला है। करा भाई आपको अब खाने के बाद टेस्ट बताएंगे, हम भी खाने का टेस्ट बताएंगे, थोड़ा खट्टेपन में है। Thank you.
सही वाला है वो इसमें, जो खराब है वो उसमें, बाकी टोटल पहले यहाँ से ऊन निकालेंगे फिर धागा बनाएंगे। अच्छा अच्छा धुलाई गन अच्छा ये बन जाएगा। हाँ ये बन जाएगा ना, ये सब बना रखेंगे ऐसे ही बने दो से गोले से गोले माँ कसम को जाम दिया कोट ठंड के लिए जब बर्फ पड़ती होगी। ये मांडा पड़ता है, मंडाई होगी गर्म पानी से, उसमें बुग्गी उठेगी, छोटा हो जाएगा, बिल्कुल छोटा हो जाएगा। ये होगा इतना, हाँ इतना आएगा, हाँ बिल्कुल टाइट हो जाएगा, ऐसे नहीं टाइट बिल्कुल फिटिंग मांडना पड़ता है इसमें, पाँव में खाल निकल जाती है, गर्म पानी से माना जाता है। आप सब लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूँ। आप सब लोगों की तरफ से मैं कालीमठ मंदिर में आप सभी के लिए आशीर्वाद लेता हूँ। मेरे द्वारा आप तक आशीर्वाद पहुँचे यही मेरी मनोकामना है, और मेरी तरह आप भी कालीमठ मंदिर की यात्रा पूरी करें यही कामना के साथ हम व्लॉग की शुरुआत करते हैं। प्रसिद्ध सिद्धपीठ कालीमठ समुद्र तल से 1500 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। नवरात्रे के मौके पर तो यहाँ देश विदेश से बड़ी तादाद में लोग माँ काली की पूजा अर्चना करने आते हैं। मंदिर के अंदर भक्त कुंड की पूजा करते हैं। ये कुंड रजत पट श्रीयंत्र से ढका रहता है। केवल पूरे साल में नवरात्रे में अष्टनवमी के दिन इस कुंड को खोला जाता है और दिव्या देवी को बाहर ले आया जाता है। पूजा केवल मध्य रात्रि में की जाती है, जबकि केवल मुख्य पुजारी मौजूद होते हैं। कालीमठ मंदिर सबसे ताकतवर मंदिर में से एक है, जिसमें शक्ति की शक्ति है। माँ काली अपनी बहनों माता लक्ष्मी और माँ सरस्वती के साथ यहाँ स्थित है। कालीमठ में माँ काली, श्री माँ लक्ष्मी और श्री सरस्वती के तीन भव्य मंदिर हैं। कहानी किस्सों के अनुसार माता सती ने पार्वती के रूप में दूसरा जन्म इसी शिलाखंड में लिया था। मंदिर के अंदर एक अखंड ज्योति आज भी जल रही है। मान्यता है कि दानवों का वध करने के बाद माँ काली मंदिर के स्थान पर अंतर ध्यान हो गई, जिसके बाद से कालीमठ में माँ काली की पूजा की जाती है। जय हो भैरव देवता। कालीमठ में माँ काली के गर्दन से नीचे के हिस्से की पूजा होती है, और सर की पूजा कालीमठ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित धारी देवी मंदिर में होती है। कालीमठ मंदिर के बारे में यह मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना जरूर पूरी होती है, इसलिए आप देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में घूमने आए तो दिव्य कालीमठ मंदिर के दर्शन जरूर करें। धन्यवाद। Yeah, wow, Kalimath.